एलन, हम बात कर सकते हैं? किस बारे में बात? कल रात मेरी बात सुनी ही नहीं तुमने। यालन, मेरे लिए अपने घर वालों को बताना इतना आसान नहीं है, समझने की कोशिश करो तुम। डेफने, मैं समझ गया हूं। क्या? देखो, मैं एक सिंपल इंसान हूं, चीजें नहीं छुपाता, झूठ नहीं बोलता, चीजों के बारे में सब कह देता हूं। और इतनी अहम बात छुपाना नामुमकिन है मेरे लिए। मगर छुपाने वाला रिलेशन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सब खत्म? I'm sorry. गुड मॉर्निंग दानिया। गुड मॉर्निंग दानिया सर। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या आपको? यार, कॉफी पेपर और फिल्टर खत्म हो गए हैं। जागने के लिए आपको कॉफी चाहिए होती है? कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी दानिया। अच्छा, तो मैं ढूंढ लेती हूँ, आप क्यों सहमत कर रहे हैं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। लड़कियों को, अब देखो क्या हो गया इसको। दानिश अराज अपनी पुरानी हरकतों पर वापस आ गए। ताज़ा तरीन इत्तिलात के मुताबिक दानिश अराज जो पिछले कई हफ्तों से हाई फाई पार्टी से दूर नजर आ रहे थे, कल रात दोबारा एक मशहूर मॉडल के साथ वक्त गुजारते हुए दिखाई दिए। उस मशहूर मॉडल का नाम सेलीन है। उस सेलीन में आखिर उसको नजर क्या आ रहा है? तुम ये मत समझना कि मुझे कोई जेलिसी हो रही है, मुझे तो बस उन बाकी लड़कियों के लिए दुख हो रहा है। Well, that's it. आप सबके सामने डेफने मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रोग्राम में मौजूद फॉल्ट्स बताएंगी और ये बताएंगी कि हमें फ्यूचर में और कैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या प्रोग्राम रेडी है? सॉफ्टवेयर और डेमो मुकम्मल हो चुका है और हमने उससे नेक्स्ट फेज शुरू कर दिया है। इसको प्रोडक्शन में लेना है। तो इसका मतलब तुम्हें शिपयार्ड जल्दी ही विजिट करना पड़ेगा, है ना? हाँ, ऐसा ही है। शिपयार्ड में कुछ दिनों के लिए काम करना होगा। ठीक है, ओके। मगर इससे भी पहले मुझे इन्फॉर्म करना होगा ताकि मैं शिपयार्ड अरेंज कर सकूं। आप अपना स्केड्यूल बना लें और हमें बता दें। ये अच्छा है। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों में कॉल करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें प्रोडक्शन एप्लीकेशन बजट साइन कर लेना चाहिए। सिनान ने अप्रूव कर दिया है। इससे अच्छी और क्या बात है, चले चलते। मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। बहुत शुक्रिया। Sunday.
Adam inat, kadın çok inat. Keçiler de kaçacak doğal olarak. Yalo. जी बोलिए मेफ्तूना अप्पा। मुझे नहीं पता। अच्छा रुकिए सिलान से पूछने दे। मेफ्तूना अप्पा पूछ रही हैं कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है क्या? तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बनेगा ना? अच्छा तो लगता है, जो भी होगा खा लेंगे। मेफ्तूना अप्पा सिनान सलाम कह रहा है, वो कह रहा है खा लेगा। ठीक है, ओके बाय। मैं आज शाम जाके यशिम के दादा से बात करने वाला हूँ। अब मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। ए अल्लाह मुझे सब्र दे। आगे क्या होगा सिनान? क्या अगले हफ्ते इसका हाथ मांगने जाएंगे? अरे भाई हाँ, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप आएंगे, है ना? यशिम बात सुनो, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। हम तुम लोगों के रिश्ते के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, मगर चीजों को ठीक तो कर सकते हैं। और हाँ, कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम एक्साइटेड हो। प्लीज प्लीज हमें प्रोटेक्ट करना ना आप प्लीज बंद कर दीजिए तो फैल भाई। ठीक है मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, मगर हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल भी बच्चे नहीं हैं। लेकिन बिहेव तो बच्चों की तरह ही कर रहे हो। यशिम चुप हो जाओ, भाई चले हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जाए कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है सिनान, समझे? मैं जानती हूँ कि मैं क्या फील करती हूँ तो फैल भाई, सिनान को भी पता है, और आप हमसे ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं जान सकते। यशिम प्लीज चुप हो जाओ यार, क्या कर रही हो तुम? नहीं जानता। यशिम मेरी प्यारी, मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास तुम्हारे ख्वाब हैं। मगर मेरे ख्वाब आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा असल है, हाँ? क्योंकि मैं अपने ख्वाबों के लिए खुद लड़ रही हूँ तुफैल भाई, और आप अपने एक्सपीरियंस के पीछे छुप रहे हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज याद करें लैला के साथ अपने शुरू का वक्त। यशिम यशिम बस कर दो यार। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है। मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भूल नहीं सकता। अच्छा लेकिन याद रखना सिर्फ काफी नहीं है। अगर आप हमारे प्यार करने के खिलाफ खड़े हैं तो फिर आप हमें नहीं रोक सकते। यशिम तुम्हें पता है क्या, किसी को मोहब्बत का ताना देना तकलीफ दे होता है। हाय दे। यशिम इस दफा तुमने ज्यादा बोल दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है सिनान। ओ अच्छा, तुम अभी जानती क्या हो हमारे बारे में जो सही और गलत बता रही हो? मेरे भाई के प्यार के बारे में कुछ भी पता है तुम्हें? तुम ये भी नहीं जानती कि ये सब सुनना उन्हें कितना बुरा लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा उनके सामने खामोश क्यों रहता हूँ यशिम? क्योंकि मैं जानता हूँ वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है। जब वो अपनी मोहब्बत से अलग हुए थे तो उनको टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से। सिनान देखो मैं तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं कहा ना? जानती हो कि लैला के बाद से उन्होंने जीना तक छोड़ दिया है। मेरा भाई लैला से अब भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, और अगर उनके बस में होता तो शायद वो दोनों आज फिर एक हो जाते। तो फिर वो लैला के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? उन्होंने आखिर हार ही क्यों मान ली? हाँ बताओ, अगर उनका प्यार इतना ही ज्यादा शदीद था तो फिर हार क्यों मान ली उन्होंने? हाँ एक दूसरे से दूर होके क्यों तकलीफ में रह रहे हैं? क्योंकि जब वो दोनों साथ थे तो अनजाने में लैला को बहुत तकलीफ दी उन्होंने। वो खुद तकलीफ सह सकते हैं लेकिन उसे नहीं दे सकते। वो सिर्फ उससे दूर उसे सुकून देने के लिए गए हैं। यशिम
भाई और लैला जब मिले थे उन्होंने 2 हफ्ते में ही शादी कर ली थी, और शादी के 1 साल बाद लैला छोड़कर चली गई थी उन्हें। तब से मेरा भाई अजियत में है, 5 साल से मोहब्बत की आग में जल रहा है वो। अगर मेरे भाई की मोहब्बत में इतनी शिद्दत ना होती तो वो कभी भी किसी को मोहब्बत की शादी करने से ना रोकता, और ना ही वो ये चाहता कि वो तकलीफ कोई और सहे। और जो इंसान ये तकलीफ सह रहा है तुम उसको ये कैसे कह सकती हो? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, इतना सब कुछ क्यों कह दिया तुमने उससे? मुझसे तो पूछ लिया होता। Sensiz kalmayayım, neden bir dert biter diğeri gelir, ateştir bu iyi bilir yakmayı. Kuşları anladım da senin kanatların yok, nasıl uçtum da gittim, kırık cam misali hatalarım acıtır. Seni böyle mi kaybettim? Kaybolmuşum, izim silinmiş, dilim suskun, susmuşum. Bak bana mahvolmuşum, senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni kaybolmuşum, gecem gülme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum, var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Ne gün güneşe doymayı de ben sana bakmayı, uyutsun gece beni, sevmesem de sensiz hayaller kurmayı. Dikenleri anladım da senin, çiçeklerin vardı nasıl soldun da gittin, fırtınam oldun yıkıldım ben. Söyle seni böyle mi kaybettim? Kaybolmuşum, izim silinmiş, dilim suskun, susmuşum. Bak bana mahvolmuşum, senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni kaybolmuşum, gecem gülme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum, var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Bul beni kaybolmuşum, izim silinmiş, dilim suskun, susmuşum. Bak bana mahvolmuşum, senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni kaybolmuşum, gecem gülme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum, ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Sensiz ben bomboşum.
मुझे तो यही मालूम था कि अगर आज भी हम पकड़े गए तो फिर हमारी कोई कदर नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता था हम लोग पकड़े जाएंगे? हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे, हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। हा, 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 मजे करेंगे आज हम यहाँ, हमें पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अरे छोड़ो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन हमेशा पकड़े जाते हो। चोरी करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ना चले। अरे तुम्हें क्या मालूम चोरी के बारे में? चोरी करना मुझसे सीखो, 2 मिनट में सफाया कर देता और किसी को पता भी नहीं चलता। तुम हर रोज फेंकते ही रहते हो, बस कोई काम वाम नहीं है तुम्हारा। ये है मेरे 2 दोस्त जो हर वक्त प्लानिंग ही करते रहते हैं, और मेरा काम है उन्हें समझाना कि चोरी करना गलत बात है। तो क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? आपकी मदद से मैं उन दोनों को चोरी करने से रोक पाऊंगी। मगर मेरे ख्वाब आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा असल है, हाँ? क्योंकि मैं अपने ख्वाबों के लिए खुद लड़ रही हूँ तुफैल भाई, और आप अपने एक्सपीरियंस के पीछे छुप रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। दामाद के लिए सारी तैयारियां की कि बैठकर बातें करेंगे, उसे जानेंगे समझेंगे हम, लेकिन अब देखो क्या हो गया। मैफ्तून, चुप रहा करो। अब मैंने क्या कर दिया सिराज साहब? झूठ है क्या ये? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना? तुम भी कमाल करती हो यशिम, इंसान बोलने से पहले एक बार सोच तो लेता है। थोड़ा पेट्रोल ला दूं आपको? आप किस लिए? ताकि आप भी मेरी तरह खामोशी के साथ चिंगारियां लगा सके। अच्छा मेरी जान, रो मत, चलो अब चुप चलो प्लीज। मैंने कुछ भी सोचे बगैर सब कुछ बोल दिया उनके सामने, वो वैसे ही तकलीफ में थे और मैंने कितना जलील कर दिया उन्हें। सिनान ने भी मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, बिल्कुल भी बात नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स, मुझे देखो। हाँ माजरा चाहता हूँ, आने में देर हो गई मुझे। कोई बात नहीं बेटा, खुशामदीद। शुक्रिया बहुत। खुशामदीद बरूजान। शुक्रिया तुम्हारा। खुशामदीद। शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। वादा किया था तो कैसे ना आता। हाँ तो बच्चों, वो ओजाय के घर में चोरी करने वाले हैं, क्योंकि ओजाय के डैड कल रात उसके लिए नए टॉयज लेकर आए। मॉम क्या तो हम जगह बदल सकते हैं? बचाने चलते हैं। ऐसा क्यों मेरी जान? मॉम मुझे यहाँ से सही से नजर नहीं आ रहा। मेरी जान ये घर का टीवी नहीं है, ये सिनेमा है। मैं सीट पर कंफर्टेबल नहीं हूँ ना। अच्छा ठीक है मेरी जान, परेशान मत हो, आ जाओ। रुको मैं इसको उठाता हूँ, आ जाओ। क्या कह रहे हो आप? पकड़े से हमें
तो फैल कहो क्या हुआ? तुम समझ रहे हो ना कि दोरख हमें दोबारा मिलवाने की कोशिश कर रहा है। पता है। हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? इसका मतलब है कि मुझे कुछ नहीं पता लैला। तो फैल क्या हो गया है? मुझे नहीं पता, मतलब ये कि मुझे आज कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, इस बारे में अभी मत सोचो, हम ये सब चीजें बाद में देख लेंगे। इसका क्या मतलब है? तुम काफी दिन से बहुत परेशान हो, इसलिए ऐसा कहा। अभी सुकून से फिल्म देखते हैं ना? हाँ, एंजॉय करो बस। दानिश ने कि इस तरह के हालात तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी भी इंसान की जिंदगी अचानक बदल सकती है। ऐसे कई मौके आते हैं जब इंसान टूट जाता है बहुत। मैं अकेली तो नहीं हूँ, अगर ऐसा है तो मैं भी इन हालात पर काबू पा सकती हूँ। हिम्मत तो करनी होगी ना मुझे। बिल्कुल, तो चलो इसकी अब उस फिलोसफर आदमी की भी सुन लेते हैं। तुमने मुझे याद किया? फिलोसोफर आदमी कहा मैंने? ये किसी भी फिलोसोफर से बेहतर है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ बेहतरी दिखाई है। दानिश। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने आया हूँ। हाँ, इसीलिए आया हूँ मैं। तो तुम मेरी हमदर्दी के लिए आ गए? हाँ, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। दानिश, चलो आओ करते हैं ड्रामा। चलो, फिलोसोफर की तरफ से अगर नफरत से ज्यादा कोई चीज तकलीफ दे तो वो इग्नोर करना है। क्या हो रहा है गुकान? हाँ, लेकिन तुम्हें नई जॉब बहुत मुबारक हो। मेरी दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो और तुम उससे भी ज्यादा अच्छे हो। ये लीजिए, ये लो सिनान बेटा। बहुत शुक्रिया मिफ्तून आपा। यालिन, यालिन मेरी जान। हाँ। लो तुम भी। शुक्रिया आपका आपा। मेरी बच्ची। शुक्रिया। आरास,
क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? खामोश क्यों? कुछ नहीं यार, झगड़े की वजह से। यार इस बारे में बात नहीं करते, अगर तुम बुरा ना मानो। यालन आरास। हाँ? बाहर आओ जल्दी। यालन आरास, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। यालन आरास, छुपे कहाँ हो, सामने आओ। हाँ, तो यहाँ हो तुम। डेफने, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ सब क्लियर करने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, और जो मैंने कहना है उसके लिए आपसे मैं माफी मांगती हूँ। और भाई, मेरे प्यारे भाई, आज जो कुछ भी मेरे दिल में है वो मैं आज कह दूंगी, उसके बाद शायद आप मेरी जान ले लें, लेकिन अपने दिल की बात मैं आज ही कह दूंगी, क्योंकि हमें दूसरा जन्म नहीं होता ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? खैरियत है, परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है मेरे लिए परेशानी हो जाए, मगर आज के दिन मैं किसी से नहीं डरूंगी। तो सुने, मैंने अपनी पूरी ही जिंदगी अपने भाइयों से डरकर उन्हीं की मर्जी पे गुजारी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस खानदान का मैं हिस्सा हूँ वहाँ एक दूसरे से डर की वजह से हम एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं। मगर मुझे समझ आ गई है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए आज यहाँ पर सिर्फ सच बोलूंगी, फिर चाहे मेरे सच के बाद आप लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर आपको ये सब मालूम कैसे होगा, इसलिए मुझे बताना ही होगा आज। तो बात यह है, जब से यालन मेरी जिंदगी में आया है उस दिन से सब बदल गया है। अच्छी बात यह है कि आप अब तक सुन रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि सब चेंज हो गया है, मेरा मतलब यालन, मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। बहुत देर कर दी ना मैंने अपने दिल की बात कहने में, एतराफ करने में, मगर मैं क्या करूं, ये बात मुझे खुद बहुत देर में समझ आई है, लेकिन आज जब समझ आ गई है तो तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं। आज इन सबके सामने अपने होशो हवास में ये बात तुम्हें बताने आई हूँ। वैसे तो तुम समझ ही गए हो, लेकिन फिर भी तुमसे कहना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अब मैं और छुपा नहीं सकती, और बताने से आज मुझे डर भी नहीं लग रहा। यालन, यालन, बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाथ हटाओ यशम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रहे? हाँ, जैसे तुमने मुझे गले नहीं लगाया था। यशम, I love you too, मेरी जान। Kanatların yok, nasıl uçtum da gittim? Kıracağım misali hatalarım acısı. Ruko. Good morning, my dear brother. ऑफिस जा रही हो? जी बिल्कुल, आप भी? नहीं, मैं यशम के दादा के साथ कॉफी पीऊंगा पहले।
उसके बाद वहाँ से यशम को पिक करूँगा, फिर ऑफिस लेकर आऊँगा। तो ये बात है, मैं देख सकती हूँ कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। आए दिन आप उनके साथ कॉफी पी रहे होते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे वो बंदा काफी अच्छा है और वैसे भी दामाद बनने वाला उनका मैं। वाओ, क्या वाह, कब तक ऐसी कॉफी पीता रहूंगा? हाँ, शादी करनी है मुझे, बहुत हो गई है। क्यों नहीं भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कर लेनी चाहिए शादी। क्या प्लान है फिर? प्लान व्लान कोई नहीं है अभी मेरा, पहले मैं भाई से बात करूंगा, अगर वो मान गए तो यशम की फैमिली से बात करेंगे। ये तो मुश्किल होगा। तो फिर मैं भी वही करूंगा जो भाई ने लैला के साथ किया था, यशम को लूंगा और चुपके से शादी कर लूंगा। मानना पड़ेगा कि मेरा भाई अब बहुत बहादुर हो गया है। मेरे लिए कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा उन्होंने, अगर उनका इंतजार करता रहा तो बुढ़ा नहीं हो जाऊंगा मैं। हाँ, सही कह रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं जाकर उसके दादा से बात करूंगा, फिर मैं यालिन को कहूंगा कि हम लोग आएंगे इजाजत लेने के लिए। अब आखिरी बार भाई को फोर्स करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर भाई नहीं माने तो सारा प्लान खराब कर देंगे हमारा। आप किसी को भूल तो नहीं रहे? क्या दानिश, मेरा नहीं ख्याल कि दानिश को बताना इतना जरूरी है। उसकी बात कौन कर रहा है, किसी और की बात कर रही हूँ। कौन? दिमाग पर जोर लगाएं, सोचे सोचे यकीनन याद आ जाएगा आपको। सोचे हाँ? ऐसा कौन है? हिंट तो दो यार। वो कोई अजनबी नहीं है। और कौन हो सकता है यार? अरे जल्दी बताओ यार, कौन रह गया, देर हो रही है। अरे यार, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं और दुल्हन भूल ही गए। यशम की बात कर रही हूँ मैं, उससे पूछा है कि नहीं? यशम से क्यों पूछूं मैं? तुम घूर क्यों रही हो मुझे ऐसे? यशम मुझे पसंद करती है, मैं यशम को पसंद करता हूँ। मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं पहले सबसे बातें करूँ, उसके बाद सबको राजी करूँ, फिर यशम को जाकर बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखता तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? फिर मैं जाकर तुफैल भाई को बताऊंगा, तुफैल भाई जाकर उसके अम्मा से बात करेंगे, फिर हम वहाँ पर बैठ के सुकून से कॉफी पियेंगे, उसके बाद हम वहाँ से चुपचाप उठकर आ जाएंगे, बात खत्म। भाईजान, क्या आपने तमीज के दायरे में रहते हुए कभी मैरिज प्रपोजल के बारे में सोचा है कि नहीं? अच्छा, तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। मुझे ना तौर तरीके समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और वो सब तो मैं कभी ना करूं। घुटनों पर बैठकर पूछो से शादी करोगी मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदाजे में तो आपका ये तरीका यशम को हर्ट करेगा। आपके प्रपोजल के बगैर वो आपसे शादी करेगी या नहीं करेगी ये तो हम देखेंगे। उसे करनी पड़ेगी। जितना मैं उसे जानती हूँ तो वो नहीं करेगी। यानी पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से रोमांटिकली प्रपोज करना होगा। ये रोमांस वोमांस मुझसे नहीं होता, अजीब लगता है मुझे ये। मैंने आइडिया दे दिया है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, काम करते हुए अगर उसके पास नजर भी आई ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पिछली दफा माफ कर दिया था, इस बार नहीं करूंगा मैं। और अगर वो खुद भी आने की कोशिश करे तो ऐसे ही हटाना, सुन लिया? और बात सुनो, काम करके सीधी घर वापस आना, वरना अच्छा नहीं होगा, आई समझ? हद है, आखिर ये हर सुबह हर दिन एक ही बात करने से थकते नहीं है। आ रहा है ना मजा, अपने भाई के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर लिया है, अब तैयार रहना। कम से कम एक साल तक तुम्हें इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उससे पहले तो ये खामोश नहीं होने वाले। यालन, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अगवा करने आया। हाँ, क्या कह रहे हो यालन, तुम यकीनन पागल हो। मुझे तुमसे प्यार है, शर्मिंदा मत हो। अरे नहीं नहीं, रुको एक मिनट प्लीज, मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत से काम है आज। हाय, क्या करूँ मैं यार, जब भी इसकी तरफ देखती हूँ तो पागल ही हो जाती हूँ बिल्कुल। Adam inat, kadın çok inat. Kişiler de kaçacak doğal olarak.